लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा। 21 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 102 सीटों पर शुक्रवार को वोटिंग होगी। इलेक्शन के पहले फेज में कुल 1625 कैंडिडेट्स मैदान में हैं, जिनमें 1491 पुरुष और 134 महिला उम्मीदवार हैं। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की रिपोर्ट के मुताबिक 252 उम्मीदवारों पर क्रिमिनल केस दर्ज है, वहीं 450 कैंडिडेट्स करोड़पति हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 40, द्रविड़ मुनेत्र कड़गम को 24 और कांग्रेस को 15 सीटें मिली थीं। इसके साथ ही 23 सीटों पर दूसरी पार्टियों ने जीत दर्ज की थी। चुनाव के पहले चरण में 10 हॉट सीटों पर वोटिंग होगी। नागपुर सीट से सेंट्रल मिनिस्टर नितिन गडकरी तीसरी बार मैदान में हैं। उनका मुकाबला नागपुर वेस्ट से कांग्रेस के मौजूदा विधायक विकास ठाकरे से है। वहीं मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट पर पिछले 70 साल से कांग्रेस का कब्जा है। कांग्रेस ने यहां से नकुल नाथ को मैदान में उतारा है। उनके सामने बीजेपी ने जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू को उम्मीदवार बनाया है। एमपी की मंडलर सीट से बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और कांग्रेस ने 4 बार के विधायक ओमकार सिंह मरकाम को टिकट दिया है। उत्तर प्रदेश की नगीना लोकसभा सीट इस बार हाई प्रोफाइल चतुष्कोणीय मुकाबला है। यहां से युवा दलित नेता चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, तो बीजेपी से नहटौर विधायक ओम कुमार मैदान में है। इंडिया गठबंधन से पूर्व जज मनोज कुमार और बहुजन समाज पार्टी की ओर से सुरेंद्र पाल प्रत्याशी हैं। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश की कैराना, जम्मू कश्मीर की उधमपुर, पश्चिम बंगाल की कूचबिहार, राजस्थान की बीकानेर और अलवर सीट पर भी सबकी नजर रहेगी। देश की 543 लोकसभा सीटों के लिए 7 फेज में चुनाव होंगे। पहले फेज की वोटिंग 19 अप्रैल और आखिरी फेज की 1 जून को होगी। नतीजे 4 जून को आएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।